अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर जिला प्रशासन, श्रम विभाग सहित बंधुआ मजदूर मुक्ति मोर्चा द्वारा आईएमए सभागार में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के श्रमिकों पर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और विभिन्न योजनाओं का श्रमिकों को लाभ मिले इस पर चिंतन मंथन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर राजन विशाल थे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को देश भर में मनाया गया। इस मौके पर आईएमए हॉल में एक सेमिनार का आयोजन भी किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर राजन विशाल ने बताया कि श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसका लाभ भी श्रमिकों को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में 50,000 रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, जिन्हें लाभ दिया जा रहा है। जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उन पर भी चिंतन मंथन किया जा रहा है। इस दौरान संस्था पदाधिकारी राजेश यागी, गया गर्ग सहित अनेकों पदाधिकारी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आज जिला मुख्यालय पे एमआईए सभागार में बंधुआ मजदूर मुक्ति मोर्चा, जिला प्रशासन और श्रम विभाग ने मिलकर मनाया। इसमें पूरे जिले से असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिक उपस्थित हैं। इसमें संदेश यही है कि जो ये इतना बड़ा तबका समाज का है जो असंगठित है, जिनको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स BOCW में बहुत सी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, परंतु उसमें भी सुधार की गुंजाइश है। इसके साथ ही साथ जो निर्माण श्रमिक नहीं हैं परंतु अकुशल और कुशल श्रमिक हैं और असंगठित क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए भी नई योजनाएं बननी चाहिए, उनको भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलना चाहिए। इस आशय का ज्ञापन आज प्राप्त हुआ है, जो राज्य सरकार तक सक्षम स्तर पर फैसला लेने के लिए भिजवाया जाएगा। और भी जो मजदूरों की समस्याएँ हैं उस पर चिंतन हुआ, मंथन हुआ और ये रूपरेखा तय हुई कि आने वाले समय में इस असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए कैसे लाभकारी योजनाओं की क्रियान्विति और बेहतर की जा सके। ये मजदूर दिवस पर बंधुआ मुक्ति मोर्चा की ओर से आईएमए हॉल में ये श्रमिक सम्मेलन किया गया, जिसमें जिले भर के सैकड़ों श्रमिकों ने भाग लिया है। जिला कलेक्टर महोदय मुख्य अतिथि के रूप में आए, अन्य विभागों के अधिकारी और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं। कुल मिलाकर जो असंगठित श्रमिक, इसका मतलब होता है कि अलवर जिले का हर तीसरा नागरिक जिसकी भी इनकम और आय 10,000 रुपया महीना से कम है, वो असंगठित श्रमिक कानून के अनुसार माना जाता है, माना जाना चाहिए। उसकी समस्या पे यहाँ चिंतन और मंथन हो रहा है और निर्माण श्रमिकों के अलावा अन्य तमाम प्रकार के श्रमिकों को इसका लाभ कैसे दिलाया जाए, इसको लेकर सरकार, प्रशासन, NGOs और श्रमिक संगठन सब मिलकर चिंतन और मंथन कर रहे हैं। आज अलवर की धरती से असंगठित श्रमिकों की जो ये आवाज़ उठी है, मैं समझता हूँ आने वाले कुछ महीनों में राजस्थान स्तर पर आप इसे बहुत पल्लवित होता देखेंगे। मेरा नाम राजेश यागिक, मैं बंधुआ मुक्ति मोर्चा राजस्थान का अध्यक्ष हूँ।